अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर से शाया होने वाले मुख्तलिफ मकामी अखबारात से ली गई मकामी और बैन अल-अक़वामी सुर्खियां लेकर मैं मंजूर डार श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर। आज इतवार है 28 मई 2023 और ज़िलक़ादा की 7 तारीख 1444 हिजरी। आगाज में नजर डालते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल मोहब्बत दें और मेहनत लें वज़ीर आज़म। 30 मई से 30 जून तक मुल्क में तकरीबन 50 रैलियां मुनक्किद करने का प्रोग्राम। मुसलसल बारिशों से किश्तवाड़ में कच्चा मकान मुनदिम, बसारत से महरूम 3 भाई लुक में अजल, मां बहन जख्मी। पहाड़ी जिले में 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ वाकियात में 14 अफराद जाँ बहक। अदालत फैसला लेते वक्त सिर्फ कानून की पाबंद, माशरे को इखलाकियात पर दर्ज देने वाला इदारा नहीं सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर माउनिन गिरफ्तार, मेंडर में सुरंग तबाह। रिंग रोड की तामीर के लिए 7412 काश्तारों की अराजी जद में, अराजी मालिकान का मुआवजे में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर गौर। हाई अलर्ट के बीच रजौरी का दौरा, शुमाली कमान के कमांडर ने ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। सालाना मेला खीर भवानी, सैकड़ों कश्मीरी पंडित काफलों में तोलामोल पहुंच गए। रोजनामा चट्टान की इसे सुर्खी है, साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए मुश्तरका नुकतुल नज़र तैयार करने की ज़रूरत वज़ीर आज़म। जब रियासत तरक्की करती है तो मुल्क खुद ही तरक्की पजीर होता है, नीति आयोग की 8वीं काउंसिल मीटिंग से खिताब। NIA की जानिब से यासिन मलिक के लिए फांसी का मुतालबा। नई दिल्ली से कश्मीर तक बयानबाजी में तेजी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। DGP वज़ीर आज़म के कातलों को भी माफ किया गया महबूबा। जल्दबाजी में इंतहा तक न पहुंचा जाए सजाद गनी लोन। 2026 की मरदमशुमारी और हदबंदी के बाद मेंबरानी पार्लियामेंट की तादाद में दुगना इजाफा होगा। हज़्बी इख्तिलाफ को पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट नहीं करना चाहिए था, गुलाम नबी आज़ाद। कौमी सलामती को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे, अल्ताफ बुखारी। हाजिरी लगाने के लिए फर्जी ऐप का इस्तेमाल, कुफवारा में उस्ताद की तनख्वाह रोक दी गई, तहकीकात का हुक्म। रोजनामा आफ्ताब की शे सुर्खी है, बुलवार डल गेट और आसपास के इलाकों में सियाहती और सयाहों की सरगर्मियां। डायरेक्टर टूरिज्म की सैलानियों से बातचीत, सयाहों ने ओवर चार्जिंग और धोखाधड़ी के मामले उठाए। कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दगरगूं, शबाना दर्ज हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड, 31 मई तक मजीद बारिशों, सालाबारी और तेज़ हवाओं की पेशगोई।